अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफर में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी की रवायत है कि हम हमेशा ही आपके साथ ऐसी सेलिब्रिटीज को, ऐसे स्टार्स को मिलवाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी होती, बल्कि अपने शोबे में रहते हुए हैं अपने बिजनेस को इतना उन्होंने ग्रो किया होता है और उनकी इतनी खिदमत होती है कि हमारी कोशिश होती है कि यही पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को हम आपके सामने लाएँ। आज हमेशा की तरह मेरी 147 एपिसोड होने जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी मेरे लिए एजाज की बात है, और एक ऐसी गेस्ट पर्सनैलिटी मेरे साथ है जो मैं समझूं कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं वो। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, और आज बहुत अरसे बाद उनके साथ मुलाकात हुई है। और पाकिस्तान और स्पेशल ट्रेड पॉलिटिक्स की बात करें, अगर हम लाहौर चैम्बर की बात करें तो उनकी खिदमात बहुत ज़्यादा है, हवातीन के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात है, एग्जीक्यूशंस के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात है, और स्पेशल वो एक ऐसी फर्म जिसको ऑन करती हैं वो, जिनका लास्ट 40 ईयर्स से उनका एक्सपीरियंस है, और उसके उसमें उनके जो क्लाइंटिज हैं उनके ऊपर इत्माद होना, ये उनकी कामयाबी का मुंह होता सबूत है। उनकी एक ऐसी कंसल्टेंट फर्म है जो कि ज़ीरो से लेके, यानी कि लोगो रजिस्ट्रेशन से लेकर आपको ए टू जेड तमाम फैसिलिटेट करते हैं। बहुत पुरानी पाकिस्तान की बल्कि नुमाया फर्म में से एक फर्म उनकी है। मेरे साथ मौजूद है नासरा तस्कीन साहिबा, जो कि विजन कंसल्टिंग फिनेंशियल मैनेजमेंट की सीईओ है, समझ लीजिए। और इसके अलावा वो उन्होंने बहुत कुछ किया है लास्ट 30 ईयर से इस फर्म को, 2004 से इसकी बुनियाद रखी। हम आज ख्वाबों से तबीयत तक के सफर में जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जबानी। तो मेरे साथ रहिएगा, ख्वाबों से तबीयत तक का ये सफर आज बहुत हसीन होने वाला है, क्योंकि आज मेरी बहन मेरे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीयत तक का ये सफर पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज 147 एपिसोड मैडम। और नासरा तस्कीन साहिबा हमेशा की तरह हंसती मुस्कुराती जी, तो मेरे साथ मौजूद है नासरा तस्कीन साहिबा। बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे लिए टाइम निकाले और मेरे साथ ये गपशप लगाए, तो आपकी बहुत मेहरबानी। जी मेरे लिए भी खुशकिस्मती की बात है कि आज आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। ये एशियन ट्रेड टीवी की, और स्पेशली ये ख्वाबों से तबीयत तक का जो सफर है, ये है भी आप लोगों की वजह से है। ये 2008 से जो सफर शुरू हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 2024 में है और 147 एपिसोड होने जा रही है आपके साथ। तो ये आप जैसे स्टारों की वजह से है, ये आप जैसे वो हीरोज की वजह से है जिनको आम सोसाइटी में, स्पेशली आजकल आने वाली जनरेशन जो एक शॉर्टकट चाहती है ना, उनको उनके एक लेसन है कि नासरा तस्कीन है क्या वो लोग जानना चाहते हैं। और आज मेरे जो एक क्वेश्चन है आपसे, बेसिक क्वेश्चन वो यही है, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि लाहौर में पैदा होने वाली ये खातून जिसने किसी मेंबर भी रही, हवातीन के लिए बहुत कुछ किया, कर भी रही हैं अभी आप तक, तो ये थोड़ा सा बचपन की यादें पहले बताए कि नासरा तस्कीन है क्या, और एजुकेशन कहाँ से ली, और फिर क्या क्या किया, यहाँ तक कैसे पहुंची? मैं हम सात बहन भाई थे, मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई हुई है 2019 में, और हम चार बहनें और तीन भाई थे, और मैं नीचे से आप मुझे सेकंड लास्ट कह सकते हैं।
तो मेरे वालिद साहब, जब मेरी छोटी बहन पैदा हुई तो हॉस्पिटल में किसी ने कहा कि वो चार बेटियां हो गई हैं, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि मेरी बेटियों को कोई ना टोके ना। मेरी चार बेटियों में उनके बेटे भी थे, बेटे भी थे लेकिन बेटियां चार हो गई। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरी बेटियां बहुत रहमत का बाइस हैं, तो कोई मेरी बेटियों को ना टोके ना। और बहुत ही क्वालिटी वाला घर का माहौल था, कोई लड़कों लड़कियों में फ़र्क नहीं समझा जाता था। और चूँकि मजान की अपनी खुद भी बहुत एजुकेटेड थे, आर्मी में सर्व किया हुआ था, और उनका बहुत फोकस था कि हम सब बहन भाई तालीम के मैदान में हमेशा अच्छे रहें। हम में से काफ़ी बहन भाइयों ने स्कॉलरशिप लिए हैं, सारे प्राइमरी स्कूल में भी, फिर मिडिल में भी, फिर मैट्रिक में भी, ऐसे चलता रहा। और सारी मेरी स्कूलिंग भी लाहौर में हुई, मैं 10वीं बनारस से पढ़ी हुई। अच्छा। जो एक वक्त में लाहौर का जो स्कूल था वो एक एलीट स्कूल समझा जाता था, मैं कोई एलीट नहीं यूज़ करना चाहती, बल्कि ये कहना चाहिए कि जो एक प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम के अंदर चल रहा था, जिसमें कुरान और हदीस की तालीम भी थी, जिसमें बाकी आपको ये सारे पढ़ाए जाते थे, लेकिन एक प्रॉपर गेम्स का भी सारा वो सेटअप था और आपके लिए इवेंट्स भी होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन वैल्यूज़ के साथ ना। स्कूल ने हमें वैल्यूज़ सिखाई, बताया कि कैसे अखलाकी वैल्यूज़ जो आजकल नहीं नज़र आती है, आपको नहीं नज़र आएंगी आजकल के एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर ना। उसके बाद मैं लाहौर कॉलेज चली गई, वहाँ से मैंने एफएससी किया। उस वक्त तो ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनूँ, लेकिन उस वक्त थोड़ा सा मेरिट पे मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो हो गया, लेकिन आर्मी मेडिकल कॉलेज में, तो जिसके लिए मुझे हॉस्टल में रहना था, तो घर वालों को लग रहा था कि मैं शायद हॉस्टल में नहीं रह सकूँगी। तो मैंने लाइन चेंज कर ली, मैंने कॉमर्स की तरफ चली गई। मैं यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी हिली कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने बी कॉम किया, फिर एम कॉम किया, फिर वहाँ पर एक उस वक्त डिप्लोमा होता था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का, वो किया। फिर पता नहीं क्यों ख्याल आया कि पाकिस्तान का जो आइन है उसको ज़रूर पता होना चाहिए, तो लॉ कर लिया। अच्छा। टैक्स में स्पेशलाइज कर लिया। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी शुरू की थी, जिसके फाइनल पार्ट को मैंने क्लियर कर सकी कि टाइम ही नहीं मिला, फिर जॉब में बिजी हो गई, फिर अपने काम में, तो वो एक खलिश है और कोई पता नहीं है कि किसी दिन मैं फिर कबर मान लूँ कि नहीं इसको भी पूरा कर लूँ। बस ये यानी अभी भी आपका सफ़र जारी, आप समझती हैं कि अभी भी बहुत कुछ करने का है। और ज़िंदगी में हर वक्त कुछ ना कुछ करने के लिए होता है, इट्स नेवर एंडिंग स्टोरी। आप हर दिन एक नए चैलेंज के साथ उठते हैं, अज़म के साथ, एक नए अज़म के साथ उठते हैं। मैंने जो प्रोफेशन अडॉप्ट किया है ना, मैंने अपनी क्वालिफिकेशन के बाद यूनिवर्सिटी की पहली जो अपनी जॉब की थी वो मैंने कॉमर्स कॉलेज की प्रिंसिपलशिप की थी। मेरे वालिद साहब को बहुत पसंद था कि लड़कियाँ एजुकेशन में काम करें, वो प्राइवेट कॉलेज था, आप ज़रूर जानते होंगे वाइस के नाम से, उसमें मैंने कॉमर्स कॉलेज की प्रिंसिपलशिप की। लेकिन दो साल के बाद ही मुझे लगा कि ये मेरी मेरे लिए नहीं है, नहीं, ये मेरे लिए नहीं, या बेस्ट के लिए नहीं। हाँ, छोटी छोटी पॉलिटिक्स और इस तरह की चीज़ें अब चलती हैं मेरा ख्याल है इदारों के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि लगता था कि ये मेरे डोमेन नहीं, ये मेरी डेस्टिनेशन नहीं है। तो बस मुझे इस वक्त एक ऑप्शन मिली कि मैं लाहौर की कंसल्टिंग फर्म को ज्वाइन कर लूँ, मैंने वो ज्वाइन किया 1994 में फरवरी, और उसके बाद मैंने फिर आंखें बंद करके 9 साल वहाँ काम किया। बहुत एक्सपोजर मिला, बहुत तजर्बा हुआ, और उसके अंदर इतना सीखने को मिलता था कि हर दिन एक नया चैलेंज मेरी टेबल पे पड़ा होता था, एक नई फाइल, नया अमेजिंग अमेजिंग। और उसको मेरे जो सीईओ थे उस वक्त के, वो हमेशा ये कहते थे कि इसका सक्सेस रेट 100% है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए एक प्राइड की चीज़ थी वो ये थी कि बहुत मुश्किल काम किया, रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ इंटरेक्शन रहता था, उनसे मिलना मिलाना रहता था, काम वहाँ होते थे सारे, लेकिन जो काम भी किए उसके अंदर कहीं किसी स्टेज पे एक रुपया रिश्वत नहीं दी। वाह। और अपने क्लाइंट को नहीं कहा कि जाओ ये काम करना, जाके रिश्वत दे, और बहुत पेन ली और मेरिट के ऊपर काम करवाए। बड़ी बात, बड़ी ये वो वजह है जिसके लिए आज भी अगर मुझे लोग जानते हैं, वो चाहे रेगुलेटरी बॉडीज के
एम्प्लॉइज हों या मेरे क्लाइंट्स में से, उनको ये पता है कि ये काम करेगी तो मेहनत से करेगी, इसमें हमें आगे ये मैसेज कभी नहीं देगी कि वो रिश्वत मांग रहे हैं। बड़ी बात है, ये वही बात जो मैं अभी कह भी रहा था कि आजकल के बच्चों में, न्यू जनरेशन में ये चीजें नहीं है जो कि आप जैसे बता रही हैं, वो शॉर्टकट के चक्कर में ही ये सारा कुछ हो रहा है। तो मैडम, बचपन के जो ख्वाब देखती थी नासरा तस्कीन, उसको तस्कीन मिली के नहीं? मैंने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, नहीं बन सकी, कोई रिग्रेट नहीं, निग्रेट नहीं है। लेकिन आज यहाँ पर आप हैं, आप समझती मैं ठीक हूँ, जो अल्लाह ताला आपके लिए करता है ना वो बेहतरीन होता है, वही बेहतरीन, वो बेहतरीन से बेहतरीन होता है। बल्कि मुझे याद है कि जब मैं FSC के बाद मैंने BSc में एडमिशन ले लिया था, और मैंने अपने भाई से पूछा कि ये आसान होता है ना, तो उसने मुझे कहा बहुत नहीं नहीं बिल्कुल, तुमने FSC किए कोई मुश्किल नहीं होगा। मैं 8 या 10 दिन गई कॉलेज ना, तो मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ना ना, ये सब कुछ वही है और बस, मैं कोई आसान चीज़ पढ़ लूँगी। उसने कहा BA कर लो, मैंने कहा सही दुनिया BA करती है, मैंने नहीं करना, वो सिंपल BA। तो उसने कहा BCom कर लो, मैंने कहा ये आसान होता है? उसने कहा बहुत आसान होता है। तो मैं हमेशा उसको बाद में पूछती थी कि आपने मुझे कैसे कहा था कि ये आसान होता है, आसान तो नहीं होता। बस अल्लाह ने बड़ी मदद की, वहाँ से भी कामयाबी अल्लाह भी, बहुत शुक्र है अल्लाह का, जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही काम है कि तालीमी मैदान में कभी शर्मिंदगी नहीं। चलिए, ये तो तलीमी मैदान था, मुझे उम्मीद है कि आपने प्रोफेशनलिज्म में भी रहते हुए बहुत तरक्की की अपने प्रोफेशन में। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर भी मज़ीद आप बात कर जी। नासरत तस्कीन साहबा, आप बताइएगा प्लीज मुझे कि 2004 में आपने एक फर्म, यानी कि उसको बुनियाद रखी और काम शुरू किया, एक नया कॉन्सेप्ट था, और day 1 से लेकर आज 2024 में हम हैं। एक तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा और अपने सक्सेस का बताइएगा कि वो आप क्या क्या करती हैं इस फॉर्म में, और आप क्या आगे करना चाहती हैं इसके हवाले से प्लीज़। 1994 से 2002 तक तो मैं जॉब करती रही और बहुत एक्सपीरियंस गेन किया वहाँ से। उसके बाद बल्कि 2002 से पहले ही मैंने उनको ये बताना शुरू कर दिया था कि मैं जाना चाहती हूँ ना, तो उनका ख्याल था कि शायद जॉब स्विच करना चाहती है। मैं कहता नहीं, नौकरी नहीं बदलनी, नौकरी में बहुत बेहतरीन है यहाँ पर, मैं एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहाँ काम कर रही थी। तो मैंने कहा कि मुझे इसमें कोई वो नहीं है, मैं अपना कुछ करना चाहती हूँ। तो फिर 2002 नवंबर में मैंने अपनी ये कंपनी रजिस्टर करवाई थी, विजन कंसल्टिंग लिमिटेड। नाम के ऊपर भी काफ़ी डिबेट होती थी, तो मुझे फिर लगता था कि एक चूँकि इसमें आपने लोगों को एडवाइस भी करनी है, गाइडेंस भी करनी है, उनकी वो प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करना है, तो एक अगर आपका कोई अपना विजन होगा तो आप उसको लेके आगे चल सकेंगे। तो नाम के बाद उसके कंपनी रजिस्टर कराने के बाद फिर मैंने इसी बिल्डिंग में अपना पहला ऑफिस बनाया दिसंबर 2002 में, लेकिन मैं इसे ऑपरेट मैंने किया फरवरी 2003 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह 21-22 साल हो गए हैं इसी बिल्डिंग में काम, लॉन्ग जर्नी। और शुरू में थोड़ा डर भी लगता था, लोग भी कहते थे कि काम बड़ा सेंसिटिव है आपका जी, लोग कहते थे कि कैसे करोगी, ये मुश्किल काम होता है। और लेकिन बहुत अल्लाह ने करम किया, कोई मेरे ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन या मेरी कोई जो पुरानी अपनी कंपनी के साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं थी कि मैं पुराने क्लाइंट्स को नहीं टच कर सकती, लेकिन मैंने अपने ऊपर एक सेल्फ पॉलिसी इम्पोज की कि किसी पुराने क्लाइंट के पास नहीं जाना, कि अंडर सम वन अम्ब्रेला यू आर वेरी सक्सेसफुल बट वहाँ से निकल के हो सकता है आप ना हो। मैंने कहा नए क्लाइंट नहीं, उसको वो देखना। तो बहुत अल्लाह मियां ने करम किया और बस फिर उस वक्त से चलते चलते चल रहा है शुक्र अल्लाह का। बीच में कभी कभी आता है, इस्लाम आता है इकॉनमी की वजह से, तो हमारे साथ ही चलता है। तो बेसिकली क्या करते हैं आप, थोड़ा सा हमारे व्यूज पता चले। हाँ जी बिल्कुल, ये जो मेरा काम है ये कंसल्टिंग का है, ये प्योरली सर्विस ओरिएंटेड काम है। इसमें हम अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो स्टार्ट होती हैं कि आप अपना किसी कोई बिजनेस रजिस्टर करवाएं, चाहे वो कंपनी फर्स्ट डे से फर्स्ट स्टेप से, चाहे वो पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटरी में आप जाना चाहते हैं, वहाँ से स्टार्ट करके
हमारी सर्विसेज जो है वो टिल लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज का है। तो उसमें क्या क्या आ जाते हैं इसके बीच में जितने भी आप जितने स्टेप्स यानी कि जैसे कि टैक्स के रिलेटेड एनटीएन टैक्स है वो एनटीएन और ये चीजें मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि बड़ी छोटी लगती जी, है जी। अब तो SECP के रेगुलेशंस और उनका जो सिस्टम है वो इतना अच्छा हो गया है द मोमेंट आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं आपकी टैक्स रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली साथ ही हो जाती है तो ये चीज़ें बहुत आसानी हो गई है। किसी वक्त में NTN लेना पड़ता था अप्लाई करना पड़ता था सेल्स टैक्स के लिए भी ये सारी सर्विसेज भी हम देते हैं। मैं टैक्स का काम जो रिटर्न में अपने क्लाइंट्स की भरती हूँ या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज की मैं वैसे रिटर्न्स का काम नहीं करती मैं जो रिफंड्स के काम है वो नहीं करती जहाँ कहीं जाके मुझे लगे कि यहाँ पर हमें शायद किसी को ब्लाइज करना पड़े वो काम है नहीं करती ओके। और लेकिन मैं FBR के साथ पॉलिसी मैटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करती हूँ कि नई पॉलिसी डेवलप करानी जिसके जैसे आपको पता होगा कि 5 सेक्टर जो थे वो 0 रेट हुए थे जी 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 बिल्कुल उसमें फुटवेयर हुआ था लेकिन लेदर की हद तक तो मैंने बाकी सारे सेक्टर उसको भी करवाया था मैंने फुटवेयर पूरे का पूरा इंक्लूड कराया था कि आपके पास आपके क्या जजमेंट आप करेंगे कि ये लेदर है या आर्टिफिशियल लेदर है फिर टेक्सटाइल को आपने एग्जेम्प्ट किया हुआ है जूतों में बहुत कपड़ा इस्तेमाल होता है तो आप कैसे इस चीज़ को कर सकेंगे तो इससे बेहतर है कि आप सेक्टर को पूरे को 0 रेट करें ताकि आपको पता चले कि ये आपकी काबिश है जी ये मेरी काबिश थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह एनोमलीज के ऊपर मैंने बहुत काम किया कि कहीं पे रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटी ज़्यादा थी फिनिश प्रोडक्ट पर कम थी तो उनको भी मैच कराया कि रॉ मटेरियल पर हमेशा काम होनी चाहिए। WTO लॉस पे काम किया जो नेशनल टैरिफ कमीशन के साथ वो भी मैंने फुटवेयर सेक्टर के लिए किया था। उस वक्त हमें चाइना से जो स्मगल्ड आ रहे थे जूते और चाइना से इंपोर्ट भी बहुत हो रही थी उसने लोकल इंडस्ट्री को तबाह कर दिया था। उस वक्त जो नेशनल टैरिफ कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थोड़े वो थे कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती है हम चाइना पे नहीं लगा सकते पाबंदियाँ। मैं कहती थी कि ठीक है आप चाइना पे पाबंदी ना लगाएं आप लोकल इंडस्ट्री को सेफ गार्ड मेजर्स प्रोवाइड करते हैं। फिर मैंने सेफ गार्ड मेजर्स के अंदर पाकिस्तान का एक ही केस हुआ है आज तक और वो मैंने किया था मैंने वो जाके फिर जिनेवा में रजिस्टर भी हुआ और हमारी इंडस्ट्री को बहुत सारे रिलीफ भी मिले। तो ये तो वो चंद काम है लिस्टिंग मैंने स्टॉक नहीं ये बहुत बड़े काम है ये दो चंद काम जरूर है लेकिन ये बहुत बड़े काम है जो आपने किए माशाल्लाह। अच्छा मैडम आपने खवातीन के हवाले से भी ये दूसरा फेस जो है ना लोगों को नहीं पता आपने खवातीन को एम्पावर करने के लिए बहुत काम किया है एग्जीबिशंस की शेप में पाकिस्तान को ट्रेड को आपने प्रमोट किया है नेशनली भी इंटरनेशनली भी जो हम कह रहे हैं वो आपने भी किया है तो उस पर थोड़ा सा बताइएगा। 2009 में इसी तरह एक सुबह को एक फ्रेंड है और उसने मुझे फोन किया कि जरा चेंबर आना उससे पहले मैं सिर्फ वोट डालने जाती थी चेंबर ना या कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुझे पता लगता था कि कोई चीज़ डिस्कस हो रही है या कुछ तो मैं चली जाती थी वरना मैं जाती नहीं थी मैं समझी किसी से मिलवाना होगा उसमें मैं चली गई और वहाँ दो फॉर्मर प्रेसिडेंट बैठे हुए थे मियाँ शफकत अली साहब और मियाँ जी निसार साहब ना तो उन दोनों आपके हॉट फेवरेट हाँ जी मेरे मिले बाद में तो मैंने उस पार्टी को ज्वाइन किया इसलिए वो मेरे बिल्कुल मेरे लिए बड़े भाइयों की तरह है उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। उन्होंने मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया मैं बड़ी हैरान हुई कि अगर ये क्लाइंट है या कोई काम कराना चाहते हैं तो ये मेरा इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं मेरे देखे मैं काम क्या करती हूँ ना। थोड़ी देर के बाद फिर अंजुम निसार साहब के ये अल्फाज थे कि आप कहाँ छुपी हुई थी अभी तक हमें ऐसे खवातीन की ज़रूरत है तो मेरा पहला रिस्पांस तो ये था कि जी मैं किसी किस्म की भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो आपको करना पड़ेगा तो इस तरीके से मैं पहली दफ़ा चेंबर की इसी में आई हूँ 2009 से 2011 वाला टेन्योर था। उस पर मैंने खवातीन की कमेटियाँ भी ली और मैं अपनी तरफ से बहुत काम भी किया खवातीन के लिए मैंने इवन छोटी छोटी एग्जीबिशन चेंबर के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज कराती थी कि ये इनको खर्चा ना पड़े और लोग जो हैं आए डेलीगेशन आते थे उनके साथ इस तरह फिर बाहर भी करवाएं। उस वक्त में फिर मैं 2 दफ़ा बांग्लादेश लेके जाती थी खवातीन को बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी मार्केट है और
लेकिन ये है कि उसके बाद से भी श्रीलंका होगी, बांग्लादेश होगी, सारे कंट्री तमाम देखा जाए, श्रीलंका भी लेके गई खवातीन को, उनके लिए जो जहाँ खुद भी नहीं जा सकी उन्हें बताया कि यहाँ यहाँ एग्जीबिशंस हैं, आप लोग जाओ पार्टिसिपेट करो। खवातीन के लिए अभी भी मुझे लगता है कि ये एग्जीबिशन एक फोरम तो ज़रूर है, लेकिन अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में जाती हैं जहाँ उनकी प्रोडक्ट को बहुत पसंद उससे ज़्यादा जाता है, एक्सप्लोर भी करती हैं, वो सब कुछ करती हैं, प्रोडक्ट की पसंदीदगी भी है, लेकिन खर्चा इतना ज्यादा है कि वो जो छोटे लेवल की खवातीन है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो है वो नहीं, क्योंकि उसकी वजह एक हमारी इकॉनमी सिचुएशन भी है ना, डॉलर स्टर्लिंग तो वही का वही है ना, तो वो हमारी लोकल इकॉनमी यानी इतना बूस्ट नहीं है, एक वजह है, लेकिन गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज होनी चाहिए थोड़ी सी। हम इन पावर की बात तो करते हैं हर प्लेटफॉर्म पर, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। ये स्टेट बैंक के साथ बहुत सारी मीटिंग्स की कि खवातीन जो हैं बिजनेस करती या करना चाहती हैं उनको एक्सेस टू फाइनेंस कैसे दी जाए ना, वो देखें कि ये उस वक्त से हम शुरू हुए थे, उसमें डॉक्टर शैला का भी बहुत रोल था, बहुत सारी हमने ज्वाइंट मीटिंग्स भी की और उसके अलावा अलग भी बजा के उनसे मिलती थी और करती थी, तो अब जाके थोड़ा कुछ सुना तो जाने लगा है, लेकिन अभी भी बैंक आर नॉट रेडी टू फाइनेंस बिजनेस। वुमेन बैंक के नाम से भी काफी इस तरह की बैंकिंग सेक्टर भी हो गए, लेकिन वो आखिरी बात ठीक है, अभी तक वो उतना सीरियस नहीं लेते खवातीन को, शायद बस ये कौन हमारे में ये शायद भी खराबी है या कह सकते हैं या कोई इंटेलिजेंस है, नहीं हम जेंडर बायस्ड हैं, ऐसा कुछ कह सकते हम जेंडर बायस्ड हैं। मैडम ये मुस्कुराहट का राज तो बताइए, आज से बिफोर मुझे याद है कि 10 ईयर बिफोर इसी ऑफिस में हमारी मीटिंग हुई थी, तब भी माशाल्लाह मैं देखता था ऐसी ही आप मुस्कुराती रही थी, अगर आप ऐसे रखे मुस्कुराता हुआ मैं मौजूदा टेंस का जो माहौल है दुनिया में पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ उसमें आज का कोई मुस्कुराता भी नजर आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, इस पॉइंट पे मैं बात कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि इनर सेटिस्फेक्शन, या अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया हुआ तो फिर आप क्यों नहीं मुस्कुराएंगे, क्यों मुस्कुराएंगे, मेरा ख्याल है मुस्कुराते रहना चाहिए, आपकी फेस वैल्यू भी बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। और दूसरी बात ये है कि आपके जितने प्रेशर्स हो और सब कुछ हो हर किसी पे हैं, मेरे ऊपर भी बहुत सारे हैं, पिछले कई साल से बहुत ज़्यादा प्रेशर हैं, लेकिन ये कि उनको आप क्या करेंगे शो करके दुनिया को, फायदा तो कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा, बल्कि आप वीक हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने अंदर एक हौसला और बहादुरी रखें और मुस्कुराते रहें। मैडम जिंदगी आपके नजदीक दो वर्ड में अगर जिंदगी की डेफिनेशन करें तो क्या होगी? नेमत है एक जिंदगी अल्लाह की दी हुई, और उसकी कदर करनी चाहिए, बिल्कुल कदर करनी चाहिए, और उसका एक एक पल जो है वो आपको बहुत सोच समझ के अपने अच्छे कॉज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उसको जाया ना करें, नहीं करना चाहिए। आने वाले दिन जो है पाकिस्तान के इकॉनमी वाइज आप क्या देखते हैं, अभी तक जो मौजूदा हालात जिस तरह चल रहे हैं, बांग्लादेश की भी बात हुई थी, बांग्लादेश किसी ज़माने में हमारा छोटा भाई था, हम जो भी हुआ माजी में हमारे ठीक है, लेकिन आज देखा जाए मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ बांग्लादेश की इकॉनमी हमारे से ज़्यादा है, अच्छी है, वहाँ की यानी कि इलेक्ट्रिसिटी रेट हमसे ज़्यादा अच्छा है हर तरह से, तो आप क्या देखती हैं कि कहाँ पर फुकदान है और कहाँ पर ज़रूरत है? देखिए पहले एक तो हमारा जो बहुत मेरा ख्याल है कि ओपन सीक्रेट कहना चाहिए इसको कि हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिटिकल ना, अगर हम इस मुल्क को जमहूरियत पे चलाना चाहते हैं तो फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आएँ उनको अपना टाइम पूरा करने की बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए और उसके अंदर किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ये हम मार खाते हैं यहाँ पर, हमारा मुल्क जो है वो 10-20 साल नहीं हम बहुत पीछे चले गए हैं, हमें वापस ऊपर आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, आप देखिए हम पटरी पर चढ़ते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है, आप कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर सकती, इंस्टेबिलिटी बहुत बड़ी कॉज है आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, वही मेन तो वही है, अभी आप ये देखें कि पिछले 5 साल जो हमने इस सफर किया या जा रहे हैं, एक टर्माइट देखा, कोई काम सीधा नहीं हो रहा था, बहुत सारी बातें थी जो सुनने में आती थी, मैंने एक्सपीरियंस भी किया, लेकिन उस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगी, कोई पॉलिटिकल बात हो जाती है,
लेकिन एक एक अगर आपका सरबरा आता है ना जिसका बिजनेस एक्मिन है, जो बिजनेस को समझता है, वो फैसिलिटेट करेगा बिजनेसेस को. जिसने बिजनेस ही नहीं कभी किया उसको पता ही नहीं है बिजनेस का क्या पता, दो जमा दो करके इसमें से प्रॉफिट वाला चार आने कैसे निकालने हैं वो नहीं उसको पता, तो वो तो फिर नहीं पॉलिसीज भी नहीं बनाएगा. दूसरा जो बहुत बड़ा हमारा अलमिया है ना, हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसीज भी नहीं है. हर हुकूमत आती है वो अपनी पॉलिसीज बनाती है और अगली आने वाली सबसे पहले उन पॉलिसीज पर काम जोड़ती है. एजुकेशन सिस्टम हमारा तबाह हो गया है, हमें एक सिलेबस के ऊपर पूरे पाकिस्तान में एजुकेशन को लेके जो कि पॉसिबल नहीं है. नहीं पॉसिबल तो सब है, क्लास क्लास का भी एक है फर्क और यहाँ पर डिफरेंट इश्यूज भी हैं. आपको पता है क्लास क्या होती है? वो हम लोगों ने क्रिएट कर दी ना क्लास. शायद साहब हमें अपने अपने पार्ट के ऊपर इस चीज को अपनी जिंदगियों से एलिमिनेट करना चाहिए. मैं जब भी ईसी मेंबर बनी मुझे सारे चेंबर के एम्प्लॉयज कहते थे कि आप ईसी मेंबर नहीं लगती क्योंकि आप ना कोई ना नखरा करती हैं ना रोक डालती हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है आज भी मेरी है कि मैं गेट पे एंटर हो जाऊँ तो गेट से खड़े हुए सब लोग जो हैं बहुत इज्जत से. तो यही सबसे बड़ा क्रेडिट होता है. आपने कमाना क्या है? आपने इज्जत कमानी है और अपने दिल का सुकून कमाना है. आपने भी कहा ना कि आप मुस्कुराती क्यों हैं, तो मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये दो चीज़ें लेकिन फंडामेंटली इसकी भी तरबियत आपके घर से होती है. हमारे घर में मुलाजमीन के साथ आप ऊंची आवाज में बदतमीजी से बात नहीं कर सकते थे, ना मेरे वालिद साहब ने ना मेरी वालिदा इसकी इजाज़त देती थी. वो सब्जी वाला और फ्रूट वाला हमें हमेशा कहते थे, मेरे आगे भतीजे जो थे कि वो देखें आपके बच्चे इतने प्यारे हैं, वो भाईजन भाईजन करके बात करते हैं. आप किस कैसे किसी इंसान को अपने से नीचे समझ सकते हैं? मेरी आज तक समझ में ये बात नहीं आई कि मैं कैसे सुपीरियर इंसान हूँ और दूसरा कैसे मेरे से नीचे वाला इंसान है. अल्लाह ने तो हमें इंसान बनाया है, तो हम बहुत दीन, मैं बहुत दीन के करीब नहीं हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा दीन के ऊपर वो बहुत समझती हूँ कि कमी है मेरी. लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ें समझी और सीखी हैं ना उसमें ये कि हमको ले बात तो सबसे पहले वो तो मैडम है फर्स्ट ना, वो तो पूरे करो. अल्लाह ताला अपनी नमाज को फर्स्ट को फ्राइज को छोड़ देते हैं, माफ कर सकते हैं आपको, लेकिन ये हमने ये जो क्लासेस भी बनाई है ना इसमें आप देखिए कि स्कूलों के बच्चे एक दूसरे को नफरत डिवाइड कर दिए ना, हमने क्लास को डिवाइड कर दिया ना, हमने कुछ जान के ये ना सेगमेंट बनाए हैं सोसाइटी के अंदर कि ये आपस में उलझे रहे हैं और हम ऊपर आंखें बंद करके रूल करते हैं. और ये जब बड़े सगीर पाक हिंद में जब घोड़ा आया अंग्रेज आया ये उसी का ही सारा कुछ दिया है. लेकिन अंग्रेज को बहुत सारा लेकिन मैडम वो हमारे में हमारी नेशन में वो बीच ऐसे हो गया ना जिस वजह से ये सारा कुछ चल रहा है. ये उसी का सिलेबस सिस्टम है, उसी का ये सारा तरीबी निज़ाम है. ये अगर हमारे खुलफा राजदीन वाला तरीबी निज़ाम नहीं है. मेरे ख्याल में हमें इसके ऊपर ना कि जब भी गवर्नमेंट आई है, मुझे जब भी मौका मिला मैडम मरियम नवाज से मिलने का या शहबाज शरीफ साहब से मिलने का, उनके साथ तो खैर मैंने काम भी किया हुआ है. मैं बहुत सारी असाइनमेंट गवर्नमेंट की कीं जिसमें शहबाज साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो मुझे पता है वो किस तरह काम करते थे. वो 6 महीने वाला काम 4.5 महीने में पूरा करा लेते थे. इतना प्रेशर होता था. उनकी मफरत करे अब्दुल्ला सिंबल साहब, उनके साथ मैंने असाइनमेंट में कर रही थी तो वो मुझे फोन कहते थे, मेरा फोन देखे सीएम साहब का, मुझे किस वक्त मैसेज आया था रात को 3 बजे या कुछ. मैं कहती थी आपका फोन नहीं देखना मैंने, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं. तो ये देखिए उम्मीद तो है कि ये गवर्नमेंट अगर इसको मौका मिला काम करने का तो एटलीस्ट पाकिस्तान को ये तो नहीं सारे मसले हल हो जाएंगे, ट्रैक पे जरूर डाल जाएंगे. तो लेट देम वर्क, उन्हें काम करने दें, लेट्स सी अल्लाह ताला देते करे. हॉप जो होती है वही कौमों को निजात देती है मायूसियों से भी और आगे लेके चलती है. मैडम मैडम नासरा तस्कीन को मैं आगे कहाँ देखता हूँ? मेरा ख्याल है हम अपनी इनिंग को काफी हद तक खेल चुके हैं, अब हमें आगे दूसरों के लिए निकालना चाहिए. ये भी बहुत बड़ी जगह भी खाली करनी चाहिए. मेरी टीम है माशाल्लाह.